गुजरात धरती फाड़ बरसात, आधा हिंदुस्तान भारी बारिश से सन। भारत में इन दिनों कई राज्यों में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। उत्तराखंड में 45 घरों वाला गांव पूरी तरह से पानी में समा गया। दो पहाड़ियों के बीच में फंसे गांव का नामो निशान मिट गया। हालात ऐसे हैं कि प्रशासन चाह कर भी मदद नहीं कर पा रहा, सब बेबस है, लाचार है। SDRF और NDRF की टीमें लगातार रेस्क्यू में जुटी है। महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात, तेलंगाना, हैदराबाद और राजस्थान समेत देश के कई राज्य, कई शहरों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। सावन के महीने में लगभग आधा हिंदुस्तान सुनामी जैसी बाढ़ से सन है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि देश में जल प्रलय अभी जारी है। आगे बढ़ने से पहले आपको जरा मौसम का अपडेट देते हैं। जो जानकारियां अलग अलग जगहों से मिल रही हैं, उस हिसाब से महाराष्ट्र के 10 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। वही महाराष्ट्र के रायगढ़ में लैंडस्लाइड और पूरा का पूरा गांव ही दब गया है। वही 10 लोगों की मौत भी हो चुकी है। मुंबई में बीते 2 दिनों से स्कूलों में छुट्टियां चल रही हैं। ठाणे में 1 दिन में सबसे ज्यादा बारिश की चेतावनी दी गई है। वही वैष्णो देवी में भारी बारिश के बाद हिमकोटी रूट को बंद कर दिया गया है। राजस्थान के 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड के 13 जिलों में येलो अलर्ट है। वही हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने से 22 लोग लापता है। छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना में भी भारी बारिश हुई है। वही उत्तर पश्चिम जिलों में 23 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी है। ये देख रहे हैं आप कि किस तरह से हालात देश के अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहे हैं। तो मौसम अपडेट के बाद अब आपको जल गदर की कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं। बादलों का ब्रेक फेल, तबाही का नॉनस्टॉप खेल, आज देश पर जल प्रलय। बारिश ने दिखाया रौद्र रूप, शहर शहर जल प्रलय का भय। वही अगर उत्तराखंड की बात करें तो प्रदेश भर में अगले 4 दिन तक भारी बारिश रहेगी। मौसम विभाग ने सभी जिलों के 4 दिन तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान ने बताया है कि 22 से 25 जुलाई तक गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन से सड़कें बंद हो सकती हैं। वही उत्तराखंड में पौड़ी के थलीसैंण में और उत्तरकाशी के पुरौला में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। थलीसैंण, पीठसैंण, बुंगी धार मोटर मार्ग पर बगवाड़ी गांव के समीप पुल के एक हिस्से का पुश्ता क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे चौथान पट्टी के 5 से अधिक गांव की आवाजाही ठप हो गई है। वही अगर बात महाराष्ट्र की करें तो मुंबई और आसपास के जिले अलर्ट पर हैं। भारी बारिश के कारण बुधवार को मध्य रेलवे यातायात बाधित हो गया है। वही अंबरनाथ बदलापुर रेलवे लाइन डूब गई है। उसके 2 दिन बाद उस बारिश ने मुंबई शहर के मध्य हिस्से में पानी भर गया है। इसका असर यातायात पर पड़ा है और कई इलाकों में यातायात धीमी गति से चल रहा है। अब भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को अगले 24 घंटों में विदर्भ और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की भविष्यवाणी के साथ चेतावनी जारी की है। वही अगर बात हिमाचल प्रदेश की करें तो पूरा हिमाचल बारिश के बाढ़ और भूस्खलन की मार झेल रहा। वही आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य में इस तबाही ने 130 लोगों की जानें ले ली हैं। वही 150 से ज्यादा लोग घायल हैं और 12 लोग लापता हैं। करीब 600 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 4,500 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। इसी बीच हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के उपायुक्त ने पहाड़ी राज्य में बाढ़ और भूस्खलन के कारण सभी स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा कर दी है। इस वक्त देश के कई हिस्से रिकॉर्ड तोड़ बारिश के कारण बाढ़ की चपेट में है। राष्ट्रीय राजधानी में भी इस बार बारिश के कारण काफी आफत मच गई है। देश की कई नदियां इस वक्त खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। हालांकि आपको बता दें कि सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा दी है। कई देशों के पूरे शहर, गांव और कस्बे पानी में डूबे हैं। भारत समेत जापान, इंडोनेशिया, ढाका में भी आसमान से आफत बरस रही है। ऐसे में लोगों से बस यही अपील है कि बिना किसी खास कारण अपने घरों से बाहर ना निकलें।